नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल का क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से हम अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। जो दोस्तों लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग क्रिएटर हैं, उनका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, लॉन्ग वीडियो का क्या क्राइटेरिया है। और दोस्तों जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट क्रिएटर हैं, हम शॉर्ट वाले चैनल को कैसे मोनेटाइज करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है। जो दोस्तों मिक्स बनाते हैं, मतलब कि लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं, शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे मिक्स वाले चैनल को मोनेटाइज करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी डाउट आपके मन में है, इसी वीडियो में क्लियर होगा, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉन्ग वीडियो वाला चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, जो लॉन्ग क्रिएटर हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों लॉन्ग वीडियो वाले चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि लॉन्ग वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए, लॉन्ग वीडियो वाले चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो जो आपका यूट्यूब चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों ये एक शर्त है यूट्यूब की, ये एक पॉलिसी है जो आपको कंप्लीट करनी ही होगी, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन के अंदर। ये दोस्तों कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और साथ में कोई भी कम्युनिटी गैलन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यह चारों चीजें जब आपके चैनल पर कंप्लीट हो जाएंगी तो जो आपका चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्रिएटर की, जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। दोस्तों शॉर्ट चैनल को हम किस प्रकार से मोनेटाइज करेंगे, शॉर्ट चैनल का दोस्तों यह क्राइटेरिया है 3 महीने के अंदर, 90 दिनों के अंदर हमें अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना होगा। हमें दोस्तों 3 महीने के अंदर जब आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेते हो तो जो आपका शॉर्ट चैनल है मोनेटाइज होगा। इसमें भी 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट कि यदि हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो हमारा चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। दोस्तों इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि या फिर आप अपने YouTube चैनल पर 1 साल के अंदर, आप अपने YouTube चैनल पर जो लोग मिक्स बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, उनके लिए क्या है, 1 साल के अंदर आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कर लीजिए या 4000 घंटे का वॉच टाइम कर लीजिए तो आपका जो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। या फिर आप 3 महीने के अंदर अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग वीडियो वाला चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, शॉर्ट वीडियो वाला चैनल कैसे मोनेटाइज होगा और जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाते हुए चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, यूजर नेम है rptechnical8920। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी और वीडियो को देखिए।